हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरु जी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट टू की, जो कि 9 अप्रैल के लिए जारी की गई क्लास सेवन्थ की साइंस सब्जेक्ट रिलेटिव वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और ये अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 1, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की आपकी वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है और आज की आपकी वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बच्चों, सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, फोटोसिंथेसिस को हम पिछली क्लासों में पढ़ते आए हैं। तो जब पिछली क्लासों में पढ़ते थे इसे, तो कहते थे क्या कि इट इज़ द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब क्योंकि आप आ चुके हैं सेवन्थ क्लास में, तो थोड़ा सा डिफरेंस हम इसमें कर रहे हैं। पहला डिफरेंस आपको ये पता चला होगा कि ये आते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर, यानी कि वह प्रोसेस या वह टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म अपना फूड अपने आप बना ले, मेनली प्लांट्स ही हैं वैसे तो, अपना फूड खुद बना ले, इसे कहलाते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। बच्चों, ये कहलाता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स एंड ऑटोट्रोप्स। ठीक है बच्चों, अब एक चीज समझ लीजिए, लीव्स क्या है, फूड फैक्ट्रीज होती हैं प्लांट्स की, और सिंथेसिस ऑफ फूड जो होता है प्लांट्स के अंदर लीव्स में ही होता है। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता क्या है बच्चों, सन से हमें लाइट की एनर्जी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है किससे, एनवायरनमेंट से या बाई एयर से, और ये छोड़ते हैं ऑक्सीजन को नीचे, जो ये है रूट्स वगैरह हैं, यहाँ से वाटर और मिनरल्स मिल जाते हैं हमें, और क्लोरोफिल ग्रीन लीव्स में होता है, जिस वजह से ये प्रोसेस होता है। बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं चीज़ों को। द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, इट हेल्प्स इन कैप्चर ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट। ये क्या काम करती है, एनर्जी ऑफ सनलाइट को कैप्चर करने में हेल्प करती है। अच्छा, क्योंकि अब आप बड़ी क्लास में आ गए, तो थोड़ी सी डेफिनेशन भी आपकी चेंज हो जाएगी। बच्चों, क्या डेफिनेशन होगी, अब देखिए ज़रा। द प्रोसेस बाई विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, पहले लिखते थे ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो अब एक चीज़ और लिखेंगे हम कि ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है बच्चों, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। बच्चों, ठीक है बच्चों, अब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसी है, एयर में होती है, और ये टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं सरफेस ऑफ लीव्स के, जो कि स्टोमेटा भी कहलाते हैं, उसके थ्रू ये अंदर बाहर होते हैं, इन्हें गार्ड सेल कंट्रोल करता है अंदर बाहर होने को। बच्चों, ठीक है, एक चीज़ जो रह गई वो है वाटर और मिनरल्स, तो वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होते हैं वेसल्स के थ्रू, पाइप्स के थ्रू थ्रू आउट द प्लांट, यानी कि रूट से ऊपर की साइड में बढ़ते जाते हैं। तो सोलर एनर्जी कैप्चर करती है लीव्स और स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ फूड बाय द इस प्रोसेस से, इसी वजह से सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका एक कारण और है बच्चों, वो कारण ये है कि ये है अकेला क्या स्वपोषी, बोल लीजिए हिंदी में या इंग्लिश में बोल लीजिए क्या, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों, अब ये अपना फूड खुद बना सकता है, इस वजह से ऐसा है, और सन क्या करता है, हेल्प करता है इसकी, बाकी सब जो चीज़ ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड नहीं बना सकते, दे आर डिपेंडेंट ऑन ग्रीन प्लांट्स, तो ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, और ये ही अल्टीमेट सोर्स है जो उनको भी फूड बनाने में हेल्प कर रहा है, इसी वजह से इसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का अल्टीमेट सोर्स कहा जाता है। बच्चों, चलिए अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर है, मैं पहला है व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। बच्चों, क्या है ये, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फिर है व्हाट इज स्टोमेटा, तो टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, ये कहलाते हैं स्टोमेटा, हेल्प करते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड के
एयर के इन और आउट में। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज द सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इसलिए है कि ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, ये इस वजह से, यानी कि ग्रीन प्लांट्स को अपना फूड बनाने में हेल्प करता है सीधी भाषा में कहें तो। और उसी ग्रीन प्लांट्स को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, और ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं अपने फूड के लिए। तो इस वजह से ये क्या कहलाता है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, लीव्स आर द फूड डैश ऑफ प्लांट्स, फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।